Hello, welcome to our channel Piyushana. To learn accounts and blah 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 so that we can remember it forever. But ek topic naya wala for PYBCOM costing semester 6 under Mumbai University. A very important topic for the viewpoint of your business. Jiska intro maine jaan bujh ke ab tak dala nahi hai. उसके इंट्रो के लिए हम लोग एक बार YouTube लाइव आ जाएंगे और उसके फॉर्मूलास के लिए भी हम लोग एक बार YouTube लाइव आ जाएंगे. मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड विद द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस टॉपिक. हाँ, मैं जानता हूँ सर वो प्रोसेस के वीडियोस बहुत लंबे लंबे हो गए, इतने लंबे वीडियो बस बनाना देखने का मन नहीं करता, डेटा कंज्यूम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑनलाइन जमाना है ना, करेक्ट. सो ये टॉपिक ऐसा है जिसके वीडियोस पांच साल हर एक वीडियो उतने का ही बनेगा. सो डू नॉट वरी, द टॉपिक इज वेरी स्मॉल फॉर सॉल्विंग बट वेरी बिग विद द प्रैक्टिकल अप्रोच इफ यू आर डूइंग सम बिजनेस. बिजनेस करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ेगी, उन्हीं का ये टॉपिक अपने को मदद करने वाला है. ओके, सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बीई. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹20 बराबर. Variable cost per unit is ₹15, fixed overhead is ₹20,000. If sales are 20% above BEP, determine the net profit. बराबर. तो profit का एक formula हम लोग सीखने वाले हैं, that is what? Margin of safety into PVR. What is it? Margin of safety into PVR. Margin of safety क्या है? Actual sales minus BEP. तो BEP तो हमने ढूंढने बोला है, right? उतना ढूंढ लेते पहले, करेक्ट. सो बीपी इज इक्वल व्हाट? बीपी इज इक्वल व्हाट? ठीक है, वेरी गुड. बीईपी दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, करेक्ट. सो बीपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ओके, अपॉन contribution into sales. So fixed cost is how much? 20,000. Contribution आया, contribution sir, contribution मिला ही नहीं. पर contribution is equal to what? Sales minus variable cost. तो rupees 5 into sales कितना है? 20. Correct? तो 5 × 5 = 80,000. यानी कि 80,000 का sales जब आप करोगे, तब आपको ना profit होगा ना loss होगा. ठीक है? एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल सेल्स माइनस वेरिएबल, तो 20 − 15 दैट इज इक्वल टू ₹5. इतना आ गया. नाउ व्हाट दे नीड, दे आर टेलिंग अस कि फाइन इफ सेल्स आर 20% अबव बीपी डिटरमाइन प्रॉफिट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला पता है. क्या पता है? कि प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवीआर. That means मुझे PVR लगने वाला है, बराबर. मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लगने वाली है, ठीक है. तो आई विल जस्ट गो रिवर्स और थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज को ढूंढ लेंगे. तो सेकंड में पहला, फर्स्ट क्या ढूंढेंगे हम लोग? PVR, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ठीक है, तो PVR इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच? 5, यहाँ पे अभी अभी मिला हमें. सेल्स इज हाउ मच? 20 एंड 200, तो दैट इज इक्वल टू 25%. एज इट इज के इन 200 है तो 25% आना जरूरी है. और उन्होंने क्या बोला? इफ सेल्स आर अबव 20% अबव बी, करेक्ट. तो एक्चुअल सेल्स क्या है ना? एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? 80,000 प्लस 20% दैट इज इक्वल टू 96,000, राइट. मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो 16 फॉर्मूला मैंने दिए हैं मैं उसी में खेलने वाला हूं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स. एक्चुअल सेल्स अपने को कितना है? 96,000. माइनस बीपी सेल्स कितना है? 80,000, दैट इज इक्वल टू 16,000, राइट. अब मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर इनटू पीवीआर. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाउ मच? 16,000
एंटीरियर वॉल्यूम मिला कितना 25%, मतलब मुझे मिला कितना, मेरे को मिला कितना, ओके। तो 16,000 का 25% इज हाउ मच, रुपीस 4,000, राइट। सो आपने तो बोला था छोटा होगा, आप छोटा ही होगा, डोंट वरी, हर संपत्ति लेगा। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आंसर अलग मिलेगा, मैंने सॉल्व किया अलग। सो वी विल बी वेयरिंग एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, बट द फाइनल आंसर शुड बी सेम, ना याद रखना, ओके। सब रास्ता गॉड की तरफ से आता है, ये फॉर्मूला से करो, वो फॉर्मूला से करो, आंसर एक, ऊपर वाला ऊपर ही है ना, बराबर। चलो टेक केयर, मिलते होंगे।